सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, जाला लाइफ स्टाइल में सेकेंड लिंक अवेलेबल हो चुका है KYC करने के लिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे अभी KYC कर लिया है, लेकिन बहुत लोगों का मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वो लोग सोचते हैं कि अगर कंपनी भाग जाए, कंपनी स्टार्ट ना हो, तो उनके पैसे भी जो बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही साथ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि कंपनी कब तक स्टार्ट होगी, है ना। तो आज ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको अभी यहाँ पे KYC करना है या नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने KYC कर लिया फिर भी ये ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं भी किया तो फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे KYC कर चुका है, उन लोगों को मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। और जिन लोगों ने अभी तक KYC नहीं किया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो है आप बिल्कुल भी KYC मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा, जिससे आपको ये क्लियर होगा एंड आप खुद डिसीजन ले सकते कि आपको अभी क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट गाइज ये है कि कंपनी का जो है यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बहुत रिसर्चेस किए हैं, क्योंकि मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ ये कंपनी को, तो मुझे रिसर्चेस वगैरह करना पड़ता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी आप जिससे से भी पूछो कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो कोई भी आपको एक भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जिससे आप पता लगा सकते हो आपको क्या करना है अभी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, जो कि है कंपनी का ऑनर, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग किसी को भी पता नहीं है कि कंपनी का ऑनर कौन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता था कि यहाँ पे जो CEO था वो था एडिना कॉर्टेट, बट उन्होंने बताया कि ये कंपनी वो रिज़ाइन कर चुकी है। अब रिज़ाइन कर चुकी है, कंपनी ने उसको निकाला है, वो तो हम लोग नहीं पता। लेकिन अभी तक जो है हम लोग को कंपनी का ऑनर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए या फिर उस पर वर्क करने के लिए कंपनी का ऑनर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनर का जो बैकग्राउंड है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट से लेकर अभी तक सिर्फ ये अपने टर्म एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? अब सबसे पहले जब ये कंपनी आया था, ठीक है, तब ये कंपनी ने बताया था कि यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री यहाँ पे आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे 1 मिलियन हो जाता है, 1 मिलियन लोग यहाँ पे जुड़ जाता है, उसके बाद कंपनी ने क्या अपना एक नया सिस्टम स्टार्ट कर लेता है, जो कि KYC करना पड़ेगा आपको $20 देके, ठीक है। तब $20 था, अभी 18 डॉलर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है अपना टर्म एंड कंडीशन चेंज कर रहा है। कंपनी ने अपने CEO को भी निकाल दिया है, तो कंपनी सिर्फ अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज करता रह रहा है, ठीक है ना। तो आज जाके हम लोग से KYC के लिए $20 ले रहा है, कल क्या पता एक्टिवेशन चार्ज भी मांगे, तो हम लोगों को वो भी पता नहीं है ना अभी तक। एंड जो अभी और एक पॉइंट के बाद मैं अभी बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी ने US से UK पे इंटायर कर चुका है, शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। पहले भी कंपनी ने अपने वेबसाइट पर जो है ऑफिस का एड्रेस दिया था, बट पहले अगर आप वहाँ वो एड्रेस पे सर्च करो तो जाल लाइफस्टाइल के नाम पे कोई ऑफिस ही आपको वहाँ पे नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो हम लोगों सिर्फ मैं वेबसाइट पे देख के हम लोगों को ट्रस्ट नहीं कर लेना है कि कंपनी का ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुका है, ये हो चुका है। जब तक हम लोग यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तब तक हम लोग को ये ट्रस्ट नहीं करना है कि कंपनी आएगा या फिर कंपनी यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि आप में से बहुत कोई मेरे भी टीम के हो और मेरी भी एक अच्छा खासा टीम भी यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मैं हम लोगों ने कोई भी KYC इसीलिए नहीं किया, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस किया इनमें से आप ये पॉइंट आप सही से समझ सकते हो एंड ये से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का कितना ये है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और मैं ये भी नहीं बताता कि कंपनी फेक है, फेक अगर होता है मैं भी यहाँ पर वर्क नहीं करता, ठीक है ना। मेरे 100+ मेम्बर भी है, तो मैं भी यहाँ पे वर्क नहीं करता फेक होता तो। मुझे भी लगता है, सबको लगता है, और हम लोगों को पॉजिटिविटी लेके यहाँ पे रहना है, काम करना है, ठीक है ना, पेशेंस लेके रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में क्या होता है। लेकिन इस अपडेट पे जो था मैंने वो आपको बताया कि यहाँ पे जो KYC आपको करना है या नहीं है, ठीक है। जो लोग KYC कर लिया तो उन लोगों को तो
अभी सिर्फ वेट करना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो लोग पहले वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंपनी अगर बताता है कि इतने तारीख तक KYC नहीं करोगे तो टीम चल जाता है, आपका ये चल जाएगा, फ्यूचर शेयर चल जाएगा, तो इससे क्या बिलीव है आपको? आपका बातों पर आके तो हम लोग नहीं कर सकेंगे ना, हम लोगों को तो यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर जाके हम लोग KYC करेंगे। क्योंकि हम लोग 1-200 नहीं पे कर रहे, हम लोग यहाँ पर 1500-1600 रुपया पे करके यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहे, KYC करा रहे अपना, तो कुछ तो सोच समझ कर ही करना होगा ना हम लोगों को, तो वो बात है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि कंपनी स्टार्ट कब तक होगा, तो कंपनी तो पहले बता चुका है 3 मिलियन KYC होगा तब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी के अकॉर्डिंग शायद से और 15-20 दिन 1 महीना तक ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते क्या होता है, हम लोग देखना है पहले कि कंपनी स्टार्ट होता है या नहीं होता है। और कुछ अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर हम लोग को सियोरिटी मिल जाए जो कंपनी यहाँ पे काम करेगा, कंपनी यहाँ पे स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो है सही से यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और KYC भी कर लेंगे, KYC में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगता है KYC करने में, वो भी कर लेंगे। तो तब तक आप लोग वेट कीजिए प्लीज़, KYC यहाँ पे अभी मत कीजिए, ठीक है। जब होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोई भी अपडेट आता तो वहाँ पे शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ज्वाइन होना है या फिर इनके बारे में जानना है कंपनी के बारे में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा एंड आपका जो भी कन्फ्यूजन था KYC को लेकर, स्टार्टिंग डेट को लेकर, वो दूर हो चुका है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।